महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आसमान में एक रोशनी गुजरती हुई नजर आई है। कुछ लोगों ने इस रोशनी को अपने कैमरे में भी कैद किया है, मगर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आसमान से गुजरने वाली ये रोशनी, जो बताया जा रहा है कि सैटेलाइट का कुछ हिस्सा टूटकर गिरा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शनिवार रात करीब 8 बजे के आसपास आसमान से जलता हुआ ये गोला महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गिरा है। देखने में बिल्कुल रिंग की तरह है और एक धातु बिल्कुल सिलेंडर की तरह है। ये लोहे की छल्ले की तरह देखने में लग रहा है, जो 10 फीट व्यास का है। छल्ले की किनारी की मोटाई करीब 8 से 10 इंच है और वजन में करीब ये 40 किलोग्राम है। आसमान से गिरते हुए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नागपुर, वाशिम, अकोला, जलगांव, जालना और बुलडाना में आसमान में यह रोशनी यानी कि खगोलीय घटना को देखा गया और लोगों ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है। वहीं प्रशासन के तरफ से अभी ये जांच किया जा रहा है कि आखिर ये क्या चीज़ है और कहां से आया है। बहरहाल स्थानीय लोगों में अलग अलग तरह की इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। 7:45 बजे एक दुर्लभ घटना बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र से देखी है, यानी गडचिरोली से जळगाव तक की ये घटना लोगों ने देखी है, वीडियो भी निकाले हैं और फोटोज भी आए हैं। तो ये घटना जो घटी है वो उसको देखने के बाद लगता है कि एखादा सैटेलाइट जो है, किसी एखादा देश का सैटेलाइट जो एखादा गिरा होगा एक्सीडेंटली, या फिर किसी देश ने इसको गिराया होगा, क्योंकि ये घटना उल्का वर्षाव की घटना नहीं है, या फिर एखादा फायरबॉल गिरता है उसके भी घटना नहीं है। हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा एखादा उल्का पिंड अगर आया है, उसके टुकड़े हुए, तो इस प्रकार की बात हो सकती है। मगर जिस प्रकार से वो पृथ्वी पर गिरा, जो कलर उसमें आए थे, उस प्रकार से लगता है कि ये एखादी मेटलिक जो चीज है उसके साथ में थी, वो गिरी है। तो इस डेफिनेटली आकाश से गिरने वाली एक ही बड़ी चीज है, एक स्पेस, एक उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, तो ये उपग्रह ही हो सकता है। तो हो सकता है कि प्रशासन इसकी और जानकारी दे। एक घटना हमारे सिंधुवाई तालुका चंद्रपुर में भी घटी है, जिसमें एक टुकड़ा गिरा है। प्रशासन ने भी कहा है कि एक टुकड़ा गिरा है, मगर उसका कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है।